मोदी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। जैव ऊर्जा अपार संभावनाओं से भरा हुआ क्षेत्र है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था और कृषि के क्षेत्र के लिए आने वाले समय में किसी वरदान से कम नहीं है। सरकार भी इसे प्रोत्साहित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। हम सभी जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन की समस्या विकराल होती जा रही है। ऐसे में ऐसे ईंधन का इस्तेमाल करना बहुत उपयुक्त है जो कि हमारे पर्यावरण के अनुकूल हो, इसीलिए सरकार भी इसको प्रोत्साहित कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूँ अंजू सिंह। तो आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे जैव ऊर्जा के बारे में, इसका किस तरीके से विस्तार लगातार किया जा रहा है और आने वाले समय में कैसे इसको लेकर नई नई योजनाएं भी सामने आ रही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की। दो से चार सितंबर के दौरान भारतीय हरित ऊर्जा संघ और MM Active Science Tech Communication Limited द्वारा नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि सेंटर में भारत जैव ईंधन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया गया। इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का उद्घाटन माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी एवं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। इस कार्यक्रम में वित्तीय 2023-24 के दौरान देश भर में बायोडीजल आपूर्तिकर्ताओं की उपलब्धियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मंत्री श्री नितिन गडकरी ने देश भर में 400 से अधिक इथेनॉल पंप के शुरू होने और इसके विस्तार में उपलब्धि होने पर बधाइयां दी। साथ ही अपने संबोधन में इन्होंने जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता को कम करने में जैव ईंधन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। Every year we have import of fossil fuel up to 22 lakh crores, and it is really not only a big problem related with the air pollution, but it is also a big economic problem. So now by starting this, the day will come that we will reduce our imports, and because of reducing import and encouraging the biofuel, I am confident that the most important beneficiary will be the agriculture sector, which will get the benefit from it. Today, in our agriculture, our growth rate in GDP contribution is 12%. The manufacturing sector 22-24%. The service sector 52-54%. And a 12% contribution from agriculture and allied industries. Actually, the population belongs to agriculture is more than 65%. And dream of our Prime Minister to make India as Atmanirbhar Bharat and $5 trillion economy and third largest economy in the world is the target for all of us. And for that reason, the most important thing is we need to reduce our imports and increase our exports. And biofuel is the most important sector where it is going to beneficial to agriculture, rural, tribal economy. And that is to be most important thing which is related with our economy. Today, in the biofuel sector, there is a huge potential. I remember as a transport minister, it is our responsibility. We are actually responsible for 330 million metric tons of CO2 every year. And I am the minister for that. It is really, I feel that it is the time for my ministry to change this scenario as far as the pollution is concerned. And India is the third largest vehicle market in the world. When I taken charge as a minister, our number was 7th.
Now, just 6 months before, we surpassed Japan, and now our number is third. The first number is USA, second is China, and now third is India in the world. And I feel that this is very important industry for Indian economy. This is the industry which is up till now creates 4.50 crore jobs. 3 दिवसीय भारत जैव ईंधन और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भी शिरकत की। इन्होंने जैव ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति और देश की ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन की दिशा में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने इस बात पर बल दिया कि जैव ऊर्जा तेजी से जीवाश्म ईंधन का एक महत्वपूर्ण विकल्प बनता जा रहा है, जो विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय लाभ और आर्थिक अवसर दोनों प्रदान करता है। अपने संबोधन में इन्होंने जैव ऊर्जा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने आयात निर्भरता को कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और एक उपयोग वाली अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने में इसके महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में भारत की जैव ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति पर भी प्रकाश डाला। इन्होंने बताया, इथेनॉल मिश्रण प्रतिशत वर्ष 2014 में 1.53% से 2024 में बढ़कर 15% हो गया है। साथ ही बताया, ई-100 ईंधन की बिक्री देश भर में 400 से अधिक खुदरा दुकानों पर शुरू की गई है। India's energy blending program has been clearly a major success. Ethanol blending percentage has gone up from 1.53% in 2014 to 15% in 2024. Buoyed by the success, we advanced the 20% target by 5 years to be completed by the ethanol blending year, which for 2025, which will be by October 2025. And I am very happy to inform you that we are on track to achieve that. India's ethanol blending program has brought many benefits in the last 10 years. And if I have your indulgence, I will just share some of those with you. The foreign exchange saved in the period between 2014 and 2024, that is till 14 July 2024, was rupees 99,014 crores. The carbon dioxide emissions lowered till 14 July 24 for this 10-year period, 519 lakh metric tons. Crude oil substitution achieved till 14 July 24, 173 lakh metric tons. Amount paid to the distillers by OMCs, rupees 1,45,930 crores. Amount paid to the farmers till such date, rupees 87,558 crores. तो देखा आपने कि जैव ऊर्जा आज के समय में कितनी महत्वपूर्ण है। फिलहाल इसी के साथ ही वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खास कार्यक्रम जारी रहेगा, देखते रहे कृषि विशेष। छोटा सा ब्रेक। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। भारत जैव ऊर्जा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी जी ने भी शिरकत किया। उन्होंने जैव ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं और कैसे कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। 3 दिवसीय भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद वेंकटेश जोशी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।
इन्होंने बताया, जैव ऊर्जा के साथ भारत का संबंध हमारी पारंपरिक प्रथाओं और हजारों वर्षों से चले आ रहे सांस्कृतिक इतिहास में गहराई से निहित है। जैव ऊर्जा हमेशा से हमारे लिए जानी जाती रही है। ये हमारे लिए एक बहुत ही जाना पहचाना विषय था। सदियों से गाय का गोबर भारत में एक महत्वपूर्ण संसाधन रहा है। मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, जैव ऊर्जा हमारे लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, लेकिन हमारी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ये निश्चित रूप से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 2023 तक ऊर्जा की आवश्यकता दोगुनी हो जाएगी। अपने संबोधन में इन्होंने ये भी कहा कि भारत कृषि अपशिष्ट से जैव ईंधन का उत्पादन बड़े ही आसानी से कर सकता है। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने जैव ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। At the outset, let me congratulate the Indian Federation of Green Energy on organizing the very first edition of India Bioenergy and Tech Expo. Bioenergy is not a new or foreign concept to us. India's relationship with bioenergy is deeply rooted in our traditional practice and cultural history extending back thousands of years. In Indian philosophy, concept of prana is considered as a vital life force or energy. It is believed to be indestructible and universal, sustaining in all forms of the lives. And even though I did not choose science during my higher studies, I am aware that the first law of thermodynamics aligns with our traditional understanding that energy cannot be created or destroyed, but it can change from one form to another form. So, itna to main janta hu. So, our prana, arthat urja, that is the life energy or bioenergy, has always been known to us. ये तो पूरा हमको नया ही है, ऐसा नहीं है. This was a known subject for us. तो हम मैंने पार्लियामेंट भी कहा था, सोलार मीन सूर्य देव. तो सूर्य का जो है हम जानते थे, पवन विद्युत मीन्स पवन का जो शक्ति है वो हम जानते थे. वी आर क्वाइट अवेयर ऑफ दी स्ट्रेंथ वॉट इट हैड. दैट्स वाई उसके देवता के रूप में भी हमने मान्यता दी थी. We have written and preached about how it takes from one form to another. So our belief in soul energy or prana is connected to bioenergy through the concept of energy flow and sustainability. For centuries, cow dung has been a vital resource in India. It has been used as a traditional fuel for cooking and heating, and as a natural fertilizer to enhance the soil fertility. This age-old practice is how we have been recycling the organic waste into energy, aligning with the modern bioenergy concepts. यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक. आज हम बात कर रहे हैं जैव ऊर्जा के बारे में. इससे जुड़ी कुछ और खास बातें आप तक पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद. आप देखते रहें कृषि विशेष. भारत जैव ऊर्जा एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में जैव ऊर्जा के क्षेत्र से जुड़े हुए विभिन्न संस्थाओं के अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. उन्होंने इस क्षेत्र को लेकर क्या कहा और किस तरह की संभावनाएं आगे देखने को मिल रही हैं, इसके बारे में उनकी क्या राय थी, आइए जानते हैं.
देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, बायोमास आधारित विद्युत का उत्पादन करती हैं। उनमें से एक है उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे यूपीनेडा के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना अप्रैल 1983 में हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में गठित किया था। इस संस्था का काम वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन और छोटे पैमाने पर जल विद्युत से जुड़ा है। 3 दिवसीय भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में इस संस्था के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी श्री अजय कुमार भी शामिल हुए थे। इस अवसर पर इन्होंने बताया कि सरकार ने फसल अवशेष आधारित एक बायो एनर्जी पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत जो पराली है उसका उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में किया जाना संभव होगा, जिसका सीधा सीधा लाभ किसान भाइयों को होगा। सरकार किसान भाइयों से उनके फसल अवशेष खरीद लेगी, जिससे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी का लाभ हो सकेगा। जो आपके वेस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट, पराली है, इसी तरीके से और भी जितने भी वेस्ट होते हैं, किस फसलों के अवशिष्ट होते हैं, उस पर आधारित पॉलिसी लॉन्च की है 2022 बायो एनर्जी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जो पराली है उसका उपयोग कंप्रेस्ड बायोगैस के उत्पादन में किया जा सकता है और किसान को उसके उपज के साथ साथ पराली का भी पैसा मिलता है जो उसकी अतिरिक्त आमदनी है। इसमें आप इसके लिए आप जुड़ें, हमारा ऑफिस जो है हर कार्यालय हर डिस्ट्रिक्ट में है प्रदेश के, और इसके साथ ही बायो कोल के प्लांट्स हैं, बायो डीजल के प्लांट्स हैं, इसमें भी अपने वेस्ट का, अपने कृषि अपशिष्ट का उपयोग करें, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। साथ के साथ आप अपना प्लांट भी लगा सकते हैं, बायो कोल का प्लांट अगर लगाते हैं, छोटा प्लांट है लेकिन इसको लगाने से आप कोल का उत्पादन स्वयं कर सकेंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने अच्छी सब्सिडी दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट CBG के उत्पादन में 75 लाख रुपए पर टन के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है, बायो कोल के उत्पादन प्लांट के स्थापना पर 75,000 रुपए पर टन के हिसाब से सब्सिडी का प्राविधान है। इसके साथ साथ इस सब्सिडी का उपयोग आप करते ही करते हैं, साथ में केंद्र सरकार की अगर कोई सब्सिडी है तो उसको भी आप अवेल कर सकते हैं। मैं किसान भाइयों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हमारी पॉलिसी में प्रदेश सरकार ने एग्रीगेटर की व्यवस्था की है, जो एग्रीगेटर इस तरीके के प्लांट के लिए कृषि अपशिष्ट पराली इसका किसकी सप्लाई करते हैं FPOs के माध्यम से, तो उनको जो फार्म किस एंड मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड की जाती है, 50% अनुदान भारत सरकार का है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी 30% अनुदान दे रही है। आप इसके साथ जुड़ें, हमने अभी पूर्वांचल के बहुत सारे किसानों को ये सब्सिडी दी है, आप लोग भी जुड़ें, अपने क्षेत्र में जो CBG के उत्पादक हैं उनको सप्लाई करें और इस योजना का लाभ उठाएं। हम लोग इस समय प्रदेश इस समय 24 CBG के प्लांट को लगा करके देश में सबसे उच्च शिखर पर है, नंबर एक पर है। हमारे 93 प्लांट्स अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम लोग ने अपने पॉलिसी में व्यवस्था निर्धारित की है, जो टारगेट्स निर्धारित किए हैं उसको पूरा कर लेंगे और आप सबको एक अतिरिक्त अवसर प्राप्त होगा अपने उत्पाद का, अपने वेस्ट को बेचने का। सारा काफ़ी मेजर बेनिफिट इसको किसानों को होगा, क्योंकि जो बायोफ्यूल जो वो बेचते हैं, जो एग्री वेस्ट है, जो एनिमल वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो सारा का सारा उसके लिए उनको पैसा मिलेगा। फिर जो बायो फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस होगा वो भी वो अपने फील्ड में यूटिलाइज कर सकते हैं, और आधी जगह तो ये बार्टर सिस्टम रहता है कि आपने काउडंग दिया और आपने उसकी जगह फर्टिलाइज़र लिया, तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और आपका पैसे भी आपको मिलेंगे।
फसल अवशेषों में कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिनका ऊर्जा उत्पादन सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए बेहतर उपयोग किया जा सकता है। ऐसे में ऊर्जा उत्पादन के कार्य में फसल अवशेष का इस्तेमाल होने लगा है, साथ ही इससे पर्यावरण प्रदूषण में भी कमी देखी जा सकती है। ऐसे में देश की ज्यादातर ऊर्जा उत्पादक कंपनियां किसानों से अच्छे दामों पर फसल अवशेष ले रही हैं, जिसका उपयोग वे ऊर्जा उत्पादन के काम में कर रही हैं। ऐसा अनुमान है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा के उत्पादन में फसल अवशेषों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा होने लगेगा, जिससे न सिर्फ कंपनियों को बल्कि हमारे किसान भाइयों को भी काफी फायदा होगा। जो पराली अभी बनता है सर्दी का टाइम में, वो पराली जलाने के चक्कर में एयर पोल्यूशन होता है, वो पराली हम लोग खरीद लेंगे आप लोगों से डायरेक्टली, एंड खरीदने के बाद उसको हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, एंड डाइजेस्ट करने के बाद कंप्रेस गैस बनाएंगे, एंड कंप्रेस गैस के बाद हम लोग और एक प्रोडक्ट उसके बना रहा है, जो भूभेदन बोल के एक खाद बना रहा हूँ। वो खाद कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, जिसमें फार्मर का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। अगर आप देखेंगे केमिकल जो है रासायनिक फर्टिलाइजर यूज़ करते हुए ज़मीन का जो फर्टिलिटी है उर्वर शक्ति पूरा ख़त्म होते जा रहा है, तो उसको फर्टिलिटी और उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए हम लोग एक कार्बन कंटेंट वाला खाद डाल रहा है। मेजर काम जो है यहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल जो है किसानों से एग्रीगेट करते हैं, मंडियों से एग्रीगेट करते हैं, और जो आपका पराली या वेस्ट मटेरियल होता है उससे हम लोग ये पैलेट्स बनाते हैं जो पावर प्लांट्स में और अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ये एक क्लीन या साफ ईंधन है जो आप अपने बॉयलर्स में और अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे पोल्यूशन कम होता है। 3 दिवसीय भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में जैव भारतीय हरित ऊर्जा संघ के चेयरमैन अतुल मोड़े जी भी शामिल हुए थे। इन्होंने बताया इस प्रदर्शनी में 100 से भी ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं, जहां बायो ऊर्जा से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसमें बायोमास से लेकर ऑटोमोबाइल लेवल तक के लोगों ने भाग लिया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि उससे फार्मर से कनेक्ट कैसा हो जाता है, तो उसमें यह हो रहा है फार्मर गेटिंग में जो कुछ इन्फॉर्मेशन ऑनरेबल मंत्री जी ने बताई थी कि पिछले 10 साल से ये प्रोग्राम जैसा बन रहा था, 10 साल के प्रोग्राम में फॉरेन नेशन का जो सेविंग हुआ है करीबन 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा हुआ है, और 1,00,000 करोड़ से फॉरेन नेशन सेविंग में मंत्री जी ने जो कि इन्फॉर्मेशन दी उसमें ऑलमोस्ट लाइक 87,000 करोड़ रुपीज़ ये फार्मर्स को एक अलग अलग फार्म्स में गए है। अभी तक जो फार्मर्स में जो सिर्फ जो पैसे जाते थे वो एक प्रोडक्ट्स से जाते थे, जिसमें उनका शुगर केन रहेगा, कॉर्न रहेगा, राइस रहेगा, लेकिन आगे चल के जो उसका कूड़ा है, जो कचरा है, जो बायोमास है, उससे भी उसमें पैसे मिलने की काफ़ी उम्मीद है, उससे फार्मर इनकम के लिए काफ़ी बढ़ावा हो सकता है। ये सेक्टर जो है ये सिर्फ फार्मर इनकम बढ़ावा के साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी जिसे बोलते हैं, एनर्जी सफिशिएंसी जो बोलते हैं, वो एनर्जी सफिशिएंसी के लिए ये सेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने काफ़ी आगे जाके इनक्रेज किया ये सेक्टर को, और ये आगे लेके जाके बहुत सेक्टर की इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़े होने वाली है, और उस पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और फार्मर बेनिफिट्स और उसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें हम लोग उसमें अचीव कर सकते हैं। बायोमास से हाइड्रोजन जनरेट कर गए, ये बहुत उत्तम रीति से बायोमास को वैल्यू किया जा सकता है, एंड ये लो कार्बन हाइड्रोजन इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकता है, रिफाइनरीज का और ये स्टील सेक्टर का बहुत उत्तम रीति से उपयोग कर सकता है। इसी तरफ वो चार बाई प्रोडक्ट आता है, चार वो फर्टिलाइज़र के तरफ से यूज़ करना कर सकता है, ये बहुत अच्छी तरह से रेवेन्यू आ सकता है वो फार्मर्स के लिए, एंड नया टेक्नोलॉजी अभी रिसर्च किया है वो इंडस्ट्री से यूज़ करने के लिए, वो फ्यूल सेल बसेस आप लोग बहुत सुनाता है ना, इसी तरह ये गैस इवन फ्यूल सेल से यूज़ कर सकता है। बायो एनर्जी के बारे में जो पॉलिसीज़ में जो गैप है, टेक्नोलॉजीज़ में जो गैप है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है,
तो आगे जाते हुए बायोएनर्जी सेक्टर में कम से कम 2 या 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसमें विशेष रूप से अपना किसान भाई जो है इनका भी एक महत्वपूर्ण भागीदारी होने वाला है आने वाले दिन में। हमने जो आपका खान तेल होता है वेजिटेबल ऑयल, जिसको आप खा नहीं सकते हैं या जिसको फ्राइंग के बाद जो खाने लायक नहीं बचता है, उससे हवाई जहाज़ बनाने की एक तकनीकी विकसित की है, जिसमें हम हवाई जहाज़ जो हमारा तेल है वो हवाई जहाज़ में टेस्ट हुआ है और 2018 में हमारी देहरादून से दिल्ली एक फ्लाइट भी उस पर उड़ी थी। इस तेल को हमने भारतीय वायुसेना को भी दिया है और भारतीय वायुसेना ने इसको अपने जहाज़ में टेस्ट किया है और अपने 26 जनवरी के अवसर पर हमारी फ्लाई पास्ट भी हुई थी हमारे तेल से। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें डीजल भी निकलता है जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का डीजल होता है और इससे 30-40% तक जो हानिकारक गैसेज निकलती हैं वो कम हो जाती हैं। बायोगैस बनाने के लिए जो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, मतलब जो खेती करने के बाद जो कृषि अवशिष्ट रह जाते हैं, जो जो खाने के लिए नहीं यूज़ होते, जो बायोमास बच रहा है सेक्टर से, उसको यूज़ करके हम बायोगैस प्रोडक्शन कर सकते हैं और उस बायोगैस को साफ़ करके हम जो गैस बनती है वो एकदम जैसे CNG या नेचुरल गैस के क्वालिटी की बनाकर उसे हम गैस ग्रिड में फीड कर सकते हैं। MM Active Science Tech Communications Limited के प्रबंध निदेशक रवि बोरेटकर ने बताया कि ये 3 दिवसीय भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 बेहद उत्साह भरा रहा। इस प्रदर्शनी में बायो ऊर्जा के उत्पादन से जुड़ी कई संस्थाओं ने भाग लिया, जिसमें संस्थाओं द्वारा अपनी मशीनों की भी प्रदर्शनी लगाई गई। इस सब्जेक्ट से हमारा देश का खाली किसानों की आय बढ़ने का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं होगा कि उसी साथ साथ बेरोजगारों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा, पोल्यूशन कंट्रोल बहुत होगा और हमारे देश में जो बहुत वेस्ट मटेरियल जाता है जिससे हम लोग बायो एनर्जी के बहुत से रिसोर्सेज बना सकते हैं। इतना ही नहीं, सरकार का ध्यान उस पर बहुत बड़े पैमाने पर लग गया। इतना ही, इंपोर्ट जो 4-5 लाख करोड़ का होता था वो अभी 18-20 लाख करोड़ का होता है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की हर सरकार ने कोशिश की और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमारे आज के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब आ गए तो उस टाइम को तो उसको ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए कोशिश हुई और जो शुरू में खाली 0.5% मिक्सिंग होता था वो 5% तक हो गया, उसके बाद में अभी आज वो करीब 16% तक इथेनॉल मिक्सिंग इन पेट्रोल आ गया और हमारा लक्ष्य है कि इस लक्ष्य में करीब कम से कम 20% एक साल के अंदर ये लाने का है और एक साल के अंदर लाने के बाद हो सकता है कि ये 25% तक लेने आने की कोशिश करें। 3 दिवसीय भारत जैव ऊर्जा और प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी 2024 में भारत के बढ़ते बायो एनर्जी क्षेत्र में योगदान दे रहे लोगों को सम्मानित किया गया, साथ ही पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ये प्रदर्शनी भारत की हरित ऊर्जा पहलों को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच रहा। तो देखा आपने कि भारत जैव ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से लगातार कदम बढ़ा रहा है और इसे प्रोत्साहित करने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप हमें ईमेल ज़रूर करें, आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है DD
पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हम इंतज़ार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। किसान, बदलते भारत की शान।